फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को इस ब्लाउज का कटिंग बताएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका नेक भी बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी इसका शोल्डर नहीं गिर रहा है। तो चलो फ्रंट साइड की बात करें, यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड की तरफ से यहाँ से देखिए, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर फिटिंग्स देख रहे हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट फिटिंग्स आया है। तो ये देखिए यहाँ पर कोई भी रिंकल नहीं है। तो यहाँ आप लोग भी इसी तरीके से परफेक्ट फिटिंग्स प्राकार ब्लाउज का कटिंग चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आज मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कैसे आप लोग ब्लाउज फिटिंग्स पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से कटिंग करने, पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। सबसे पहले मैं यहाँ से बैक पार्ट काट करूँगी। बैक पार्ट को काट करने के लिए कुछ इस तरीके से फेब्रिक को टू फोल्डिंग कर लेना है। फोल्डिंग इतना तक करना है, आपका ब्लाउज कितना साइज है उसी के हिसाब से फोल्डिंग करने के बाद एक्स्ट्रा यहाँ पर कितने इंच तक लेना है उसके साथ यहाँ पर फोल्डिंग करना है। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ फोल्डिंग करके लिया है। तो चलिए ब्लाउज का लंबाई लूँगी। लंबाई देखिए हमेशा अपने हाइट के अनुसार ही लेना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से कुछ इस तरीके से सीधा करके मिला कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिला कर लिया है। तो चलिए अभी लंबाई लेना है। लंबाई यहाँ से देखिए ब्लाउज का तैयार होगा 15 इंच तक और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1 इंच। तो यहाँ से टोटल 16 इंच का ब्लाउज का लंबाई रखूँगी। तो चलिए अभी शोल्डर के लिए मेजरमेंट लेना है। शोल्डर देखिए 42 साइज के लिए मैं यहाँ से देखिए 6 इंच से 2 सूट कम रखूँगी और यहाँ से आर्म होल लूँगी। यहाँ से देखिए 6 इंच तक है इसका आर्म होल रखूँगी। तो चलिए यहाँ से बराबर मिलाकर लेना है। तो यहाँ से भी देखिए 6 इंच से 2 सूट कम रखूँगी। अगर आपका शोल्डर ज़्यादा होने से यहाँ पर 6 इंच तक ले सकती हो। तो चलिए अभी चेस्ट के लिए मेजरमेंट लूँगी। जैसे कि ये 42 साइज से 42 को यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड करना है, 10.5 इंच तक मिलता है और एक्स्ट्रा फेब्रिक 2 इंच तक रखूँगी। तो चाहो तो आप इसको कम करना है तो कम भी कर सकती हो। तो चलिए अभी यहाँ से देखिए कमर के लिए मेजरमेंट लेना है। चेस्ट में जितने इंच तक मिलता है कमर में 1 इंच कम करना है। और यहाँ से देखिए 1.5 इंच का लगभग यहाँ पर देखिए शेप को मिलाऊंगी, आर्म होल का शेप को। तो चलिए अभी यहाँ से नेक लाइन लेना है। नेक लाइन यहाँ से ज़्यादा नहीं लेना है, मैं यहाँ से 2 इंच तक रखूँगी। ज़्यादा लेने से क्या होगा, आपका शोल्डर गिर सकता है। तो चलिए नेक का डिप कितने इंच तक लेना है, आप यहाँ से नेक का डिप जितने इंच तक लेना है ले सकते हो। मैं यहाँ से 12 इंच का नेक डिप रखूँगी और ये देखिए साइड से 3.5 इंच तक फेब्रिक मिलता है और सिलाई करने के बाद ये 2.5 इंच तक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से नेक का चूड़ा रखूँगी, यहाँ से 3 इंच तक रखूँगी। तो चलिए अभी इसको शेप मिलाना है। तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से सीधा करने के बाद यहाँ पर देखिए डीप नेक बनाऊंगी। ये देखिए आपको यहाँ पर देखिए जितना तक लेना है ले सकते हो, फिर भी आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो मैंने किस तरीके से लिया है। और यहाँ से इस तरीके से हाफ इंच का लगभग यहाँ से इस तरीके से डाउन कर देना है, ये भी नेक के साइड की तरफ से। तो चलिए अभी इसको काट कर लूँगी। तो चलिए अभी यहाँ से बैक साइड की तरफ से दांत लगाना है। ये दांत देखिए मैं 5.5 इंच तक लगाऊंगी और यहाँ से थोड़ा सा काट कर निशाना लगा कर रखूँगी। तो चलिए अभी फ्रंट साइड काट करूँगी। फ्रंट साइड काट करने के लिए यहाँ पर देखिए फिर से फैब्रिक को यहाँ से टू फोल्डिंग करके लूँगी। पहले यहाँ पर देखिए बैक पार्ट के हिसाब से कुछ इस तरीके से निशाना लगा कर लेना है। कटा हुआ बैक पार्ट को इस फैब्रिक के ऊपर में रखना है और यहाँ से कुछ इस तरीके से निशाना देना है सबसे पहले। तो हर जगह से बैक पार्ट का निशाना है कुछ इस तरीके से लगा कर लेना है। उसके बाद इसको देखिए साइड की तरफ से उठा कर रखना है। रखने के बाद देखिए अभी यहाँ से फ्रंट नेक डिप लेना है। फ्रंट नेक देखिए कितना इंच तक लेना है, यहाँ पर देखिए फ्रंट नेक 7 इंच तक ही रखूँगी। ये होगा नॉर्मल नेक।
फ्रंट साइड की तरफ से ज़्यादा डीप भी नहीं होगा। तो चलिए अभी यहाँ से क्या करना है, पहले देखिए आर्महोल का शेप को यहाँ से कुछ इस तरीके से मिलाना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ से जैसे कि हाफ इंच का लगभग यहाँ पर अंदर की तरफ से इस तरीके से शेप मिला कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से मिलाने के बाद देखिए यहाँ से फ्रंट साइड की तरफ से एक्स्ट्रा कितने स्टेक देना है, मैं यहाँ से 1.5 रखूँगी। अगर आपका चीज और भी ज़्यादा हैवी होने से यहाँ से 2 स्टेक लेना होगा। तो चलिए अभी यहाँ से कुछ इस तरीके से बराबर करने के बाद यहाँ पर देखिए 6 इंच में और एक निशाना लगाऊंगी, ये देखिए। तो अभी देखिए जहाँ से 6 इंच तक लिया है वहाँ से बास पॉइंट के लिए मेजरमेंट लूँगी, बास पॉइंट यहाँ पर देखिए 6 इंच तक रखूँगी। फिर यहाँ से सीधा मिलाना है, मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए किनारे से इस तरीके से बराबर करना है। तो चलिए अभी कतरी के लिए मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर देखिए 42 साइज के लिए मैं कितने इंच तक यहाँ पर कतरी का मेजरमेंट लेना है, तो यहाँ से मैं 9.5 इंच तक रखूँगी। अगर आपके से ज़्यादा हैवी होने से तब उस टाइम पर क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच बढ़ा सकती हो। तो चलिए अभी यहाँ से कतरी का मेजरमेंट जितने इंच तक भी मिला है इसको यहाँ पर हाफ कर लेना है। यहाँ से देखिए कतरी के शेप उठाना है, ये शेप में देखिए 1 इंच से 2 फुट ज़्यादा उठाऊंगी और इस साइड से भी 1 इंच से 2 फुट ज़्यादा उठाऊंगी। अगर आपको ज़्यादा शेप चाहिए तो यहाँ से 1.5 इंच तक और 1.5 इंच से 1 फुट 2 फुट ज़्यादा उठा सकती हो। तो यहाँ से देखिए कितना इंच तक लेना है, ये देखिए यहाँ से 2 इंच से 2 फुट ज़्यादा मिलता है। फिर इसको देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से मिलाना है। तो इसलिए यहाँ से फरने का शेप भी लगा दूंगी कुछ इस तरीके से। आप इस शेप को कैसे लगाना है, थोड़ा अंदर की तरफ से लगाने से ये पूरा गुलाई में हो जाएगा और थोड़ा ऊपर की तरफ से उठाने से ये बी शेप हो जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ से कितने इंच तक लेना है, यहाँ से देखिए 6.5 इंच तक रखूँगा। मैंने यहाँ पर हाफ इंच तक ज़्यादा लिया है और इसको त्रिशा मिला लिया। तो यहाँ पर देखिए कतरी का और एक पार्ट कटिंग करना बाकी है और लूप पार्ट कटिंग करना बाकी है। तो इसको मैं देखिए बाद में काट करूँगी क्योंकि यहाँ पर देखिए फेब्रिक लंबाई में नहीं हो रहा है, तो इसलिए अलग अलग से काट करूँगी। तो इसको अलग अलग से काट करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग को बहुत इजी तरीके से इसका कटिंग भी बताऊँगी। तो चलिए अभी यहाँ से पहले यहाँ पर देखिए स्लीव काट करूँगी, उसके बाद तो 2 बाकी पार्ट है इसको काट करूँगी। तो पहले यहाँ से स्लीव काट करने के लिए फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फोल्डिंग करके लूँगी और यहाँ पर देखिए स्लीव का लंबाई आपको कितने इंच तक चाहिए आप अपने हिसाब से लेना है। मैं यहाँ पर देखिए स्लीव का लंबाई टोटल 10 इंच तक चाहिए, तो एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1.5 इंच तक चाहिए। तो यहाँ से देखिए 11.5 इंच तक स्लीव का टोटल लंबाई लूँगी यहाँ से। तो चलिए यहाँ से कितने इंच तक लेना है, यहाँ से देखिए 7.5 इंच तक रखूँगी और इसको देखिए कुछ इस तरीके से मिलाना है। मैंने यहाँ पर स्लीव का लंबाई देखिए ज़्यादा लिया है, 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा ज़्यादा लिया है। तो यहाँ से देखिए स्लीव का मोड़ी आपको जितने इंच तक आता है आप अपने हिसाब से लेना है और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1.5 इंच तक लूँगी। तो चलिए अब इसको काट करूँगी। तो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर जो 1.5 इंच तक लिया है और ये देखिए मोड़ के साइड की तरफ से फोल्डिंग में 1 इंच जाएगा और ऊपर की साइड की तरफ से शोल्डर के साइड में जैसे कि वहाँ पर भी हाफ इंच जाएगा सिलाई में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक 1.5 इंच तक लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से युग पुटी काट करूँगी जैसे कि फ्रंट साइड का कमर का बेल, और इसको कैसे काटिंग करना है, बैक पार्ट में कमर में जितना इंच तक मिलते हैं उसी के हिसाब से लेना है। मैंने यहाँ पर अपने बैक पार्ट में जितना इंच तक मिला है उसी के हिसाब से लूँगी और यहाँ से देखिए साइड से 6 इंच तक रखूँगी यहाँ से, और इस साइड से देखिए 6.5 इंच तक रखूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही साथ में काट करूँगी, युग पट्टी के लिए अलग से पट्टी काट नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही साथ में काट कर लिया है। अगर आपके पास फैब्रिक कम होने से क्या करना है आप उस टाइम पे यहाँ से 1 इंच कम कर दीजिए।
तब आप लोग इसके लिए अलग से पुर्ती कट करना होगा। तो चलिए अभी यहाँ से जो कटोरी का और एक पार्ट कटिंग करना है ये यहाँ से करूँगी मैं। तो इसको देखिए कैसे कटिंग करना है। जो कटोरी का एक पार्ट काट किया है ठीक उसी का बराबर यहाँ पर लंबाई लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसी का बराबर यहाँ से पहले सीधा कर लूँगी। ये देखिए बिल्कुल बराबर कर लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से कितना इंच तक लेना है, यहाँ से देखिए 5 इंच तक रखूँगी। मैंने यहाँ पर 1/2 इंच ज़्यादा लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक रहने से कुछ नहीं होता है, अगर कम पड़ जाने से थोड़ा दिक्कत होता है। तो चलिए यहाँ से 1/2 इंच डाउन करूँगी और यहाँ से 1.5 इंच तक कुछ इस तरीके से डाउन करूँगी और यहाँ से 2.5 इंच तक रखूँगी और इसको इस तरीके से मिलाना है। तो चलिए अब इसको काट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों कतरी के पार्ट को बराबर कर काट कर लिया है। तो चलिए यहाँ से हुक पुट्टी, कमर पुट्टी, नेक पुट्टी काट कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने किस तरीके से काटिंग किया है आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। और ये देखिए बैक पार्ट को मैंने कुछ इस तरीके से काट किया है और सिलाई करने के बाद ये और भी डीप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकती है किस तरीके से मैंने काटिंग किया है। तो चलिए फ्रंट साइड भी देख लेती है। ये देखिए फ्रंट साइड काटिंग किया है और ये देखिए दोनों आर्मोर का पार्ट को कुछ इस तरीके से बराबर मिला कर लेना है और ये देखिए उसके बाद कतरी के पार्ट को यहाँ से बराबर मिलाना है। फ्रेंड्स आप लोगों को मैं 42 साइज़ ब्रैकेट ब्लाउज़ को किस तरीके से कटिंग करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप आज मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीके से बताया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी इसी मेजरमेंट के हिसाब से ब्रैकेट ब्लाउज़ कटिंग करने से आपका ब्लाउज भी परफेक्ट फिटिंग्स होगा तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।